चलो तो अपन आ गए हैं एंट्री से गेट पे। ये है एंट्री से गेट का सुबह सुबह का नज़ारा और ये अपनी गाड़ी। चलो अभी चलते हैं अपन सीधा गुजरात, तो निकल रहे हैं फिलहाल सूरत के लिए। अभी अपन पहुंच गए हैं चेचट और यहाँ पे है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो ये जा रहा है सीधा यहाँ से मध्य प्रदेश। अभी चालू हुआ है नहीं हुआ है वो एक बार पता कर लेते हैं, टोल पे जाके पूछते हैं भैया को, भैया चालू हो गया है क्या, क्योंकि हम पहले आए थे तो बीच में बंद कर दिया था फिर चालू कर दिया था, तो इनका भी सिस्टम समझ में आता नहीं, कभी चालू करते हैं कभी बंद कर देते हैं। चलो पूछ लेते हैं, नहीं चालू होगा तो फिर दूसरा अल्टरनेट रास्ता है अपने पास, वहाँ से जाएंगे। चलो भाई, तो गार्ड साहब को अपन ने पूछा, गार्ड साहब बोल रहे हैं कि बंद किया हुआ है, तो कोई बात नहीं वापस निकल गए हैं अपन सीधा रामगंज मंडी की तरफ। और एट लाइन पर अपन नहीं चढ़े हैं, शायद एट लाइन चालू है पर कंफर्म नहीं हो पा रहा था, पता किया फ़ोन लगा के, पर अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं तो सीधा अभी लेमथूर से चढ़ेंगे अपन एट लाइन पर। तो फिलहाल चलते हैं अपन रामगंज मंडी, रामगंज मंडी से सीधा बानपुरा जाएंगे, वहाँ से लेमथूर से अपन ऊपर चढ़ जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं रामगंज मंडी की तरफ। निकले और वापस रामगंज मंडी क्रॉस करते हुए आ गए हैं अपन दूसरे टॉल पे, तो अपने जर्नी का दूसरा टॉल भरते हैं और निकलते हैं आगे। और इसके बाद अपन सीधा जाने वाले हैं नीमथूर, वहाँ से मिलेगी अपने को NE4 नेशनल एक्सप्रेस वे 4। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे जाने का नीमथूर से अपने को पकड़ना है और नीमथूर से सीधा निकल जाएंगे अपन गुजरात की तरफ। फिलहाल चलते हैं नीमथूर। मंडी क्रॉस करने के बाद में लेते चला रहा होता है अपन आ गए हैं बानपुरा के रास्ते पर। बानपुरा के रास्ते में अपने को मिल गया है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो यहाँ से लेमथूर से लेमथूर वाला कट ये इंटरचेंज रहेगा, लेमथूर इंटरचेंज से आपको मिल जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो लेमथूर से आपको सीधा चढ़ना है बड़ौदा के लिए, बड़ौदा की डिस्टेंस यहाँ से है 407 और वहाँ से 180 किलोमीटर प्यारा। तो चलो 500 प्लस की जर्नी है तो यहीं से करेंगे शुरुआत जर्नी की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 500 मीटर। तो ये जो इंटरचेंज है इस इंटरचेंज को बोलते हैं लेमथूर इंटरचेंज, मध्य प्रदेश का पहला इंटरचेंज होने वाला है। और राजस्थान में अभी एक्सप्रेस हाईवे ओपन हुआ नहीं है, ओपन हो जाएगा तो सीधा यहाँ से कोटा एक्सप्रेस हाईवे से आप जा पाएंगे। अभी जाने के लिए अल्टरनेट ऑप्शन है रामगंज मंडी, वहाँ से सीधा दर्रा होते हुए कोटा। तो सामने आप देख पा रहे होंगे आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। चलो तो अभी फाइनली अपन आ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे और मंदसौर की डिस्टेंस 115 करोड़ 38। तो ये रहने वाला है एक्सप्रेस हाईवे के नज़ारे, तो चलो एंजॉय करिए कीजिए नज़ारों को। और अभी आगे शायद एक अपने रेस्टोरेंट वाले भैया अपनी वीडियो देखते हैं, उनके वहाँ रुकना है, देखते हैं कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे होगा तो, और वहाँ से फिर सीधा अपन बढ़ जाएंगे मंदसौर की तरफ, मंदसौर सीधा जाएंगे अपन झाबुआ की तरफ। तो बढ़ते हैं एक्सप्रेस हाईवे पर, स्पीड लिमिट 120, तो उसको ध्यान रखेंगे।
ज़्यादा दिख नहीं रहा है, अपना ही ट्रैफिक है, एकदम नॉर्मल ट्रैफिक, एक कार निकली है बस पीछे से। चलो जो भी रहेगा आपको बताते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो भाई, तो अपने मित्र जो है, अपने सब्सक्राइबर, उनका जो रेस्टोरेंट है वो आगे है वहाँ पे। तो ये रेस्ट एरिया के जो ऑफिशियल रहेंगे ये सारे हैं यहाँ पे। अभी कुछ कुछ चालू हुआ है, गाड़ी की पार्किंग, एम्बुलेंस वगैरह इधर, ये पूरा रहेगा रेस्ट एरिया। तो अभी तो ट्रैफिक है नहीं, इसलिए पूरा पार्किंग खाली है, कोई है नहीं, हम लोग ही हैं यहाँ पे। तो चलो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे क्या है देखते हैं एक बार। बाकी ये फूड कोर्ट वगैरह रहने वाला है, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट सब रहेगा यहाँ पे, तो आप आराम से नाश्ता पानी कर सकते हैं। गाड़ी का भाई, तो फिलहाल आ गए हैं राहुल जी के रेस्टोरेंट में, सांवरिया ढाबा। तो सांवरिया जी के नाम पर मैंने ढाबा ओपन किया है। हाँ, इसे पैसे देने पड़ेंगे आपको, कैश देना पड़ेगा पूरा, नहीं कैश दोगे तो किडनी निकल ली जाएगी। तो फिलहाल आलू पराठा और चाय ऑर्डर की है, आलू पराठा चाय टेस्ट करते हैं कैसा है, फिर आपको बताते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है उसका लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, गरोड वाला एंटरप्राइज के बस पहले। मनसी भी आ गई नाश्ता करने के लिए। देखो मनसी क्या खाओगे, आलू पराठा खाओगे? तो ये है रेस्टोरेंट, और अभी ट्रैफिक एकदम कम है, उस वजह से पब्लिक थोड़ा कम आ रहा है। तो आप भी यदि ट्रेवल कर रहे हैं मुंबई से जयपुर, कोटा, दिल्ली की तरफ, तो प्लीज़ अपने भाई के रेस्टोरेंट में ज़रूर रुके, सांवरिया रेस्टोरेंट, सांवरिया ढाबा, जस्ट गरोट के पहले, 487 रेस्ट रूम, रेस्ट एरिया, यहीं पर भैया का ढाबा है, तो प्लीज़ विजिट जरूर करें। मिलेंगे क्या यार, राहुल भाई है ही नहीं। हाँ आ जाओ, बढ़िया बढ़िया। तो आप कब आएंगे? कोई ना ले जाए, मैं शायद जुलाई में या अगस्त में आऊँगा। चलो कोई नहीं, मैं तो आता जाता रहता हूँ, अभी तो जा रहा हूँ वापस बुक सूरत। चलो ओके भैया, ओके। तो राहुल भाई हमेशा हमको याद करते हैं, राहुल भाई आपके रेस्टोरेंट में हम आ चुके हैं। ये है आपकी रेस्टोरेंट की कुछ झलक, तो नाश्ता मंगाते हैं, नाश्ता आएगा उसके बाद में देखते हैं नाश्ता कैसा है। तो फाइनली भाई आलू पराठा आ गया है, और दही अचार ही मिलेगा ना? अचार, हाँ
हाँ चार भी दे देना। तो ये आलू पराठा है, अब इसको ट्राई करते हैं कैसा है, बताता हूँ आपको टेस्ट। आलू का पराठा टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। मज़ेदार। और भाई चाय भी ले आया। चलो अभी नाश्ता करते हैं फटाफट, फिर बताते हैं आपको कैसा है रिव्यू। तो अभी दूसरा ऑर्डर किया है हमने मसाला मैगी। तो आलू पराठा जो वो तो लगा बहुत शानदार। आलू पराठा कैसा लगा? आलू पराठा बहुत बढ़िया था। और अभी मसाला मैगी मंगाई है, मसाला मैगी भी खा लेते हैं, बताते हैं इसके भी रिव्यू। तो मसाला मैगी थी, आलू पराठा था, बाकी पोहे वगैरह है, और बिरयानी चाय ली थी। चाय भी एकदम शानदार है, मस्त। तो मैगी भी खा लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको इसका रिव्यू। इसमें आएगा? अच्छा बढ़िया। तो यार भाई ये तो अगले महीने में आएंगे। खाना खाया और भैया पैसे नहीं ले रहे हैं, बताओ क्या किया जाए भाई। हम तो लेंगे नहीं हर बार। तो राहुल भाई से बात कर रहे हैं यार, कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे खाली आते जा सकते दोनों साइड हैं। चलो तो अभी आप आओगे तो यहाँ पे आपको राहुल भाई तो नहीं मिलेंगे, नरेंद्र भाई मिलेंगे। ये है नरेंद्र भैया, ठीक है आप आओ, यहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत है। और नाश्ता पानी एकदम शानदार, सांवरिया ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जस्ट गरोट वाले इंटरचेंज से आगे। चलो भाई नाश्ता हमने कर लिया है और काफ़ी शानदार नाश्ता, मज़ा आ गया नाश्ता करके। आलू पराठा खाया, अभी घर पर खाना बोला था वो खाना था हम नहीं खाएंगे। तो आप लोग भी विजिट करें प्लीज़ सांवरिया ढाबा एंड रेस्टोरेंट, याद से गरोट वाले इंटरचेंज के जस्ट भाई। तो अभी हमने नरेंद्र भाई के यहाँ पे नाश्ता किया और नाश्ता एकदम शानदार था। तो आप लोग भी जब भी आए तो 487 मुंबई जाने के टाइम पे, और इसी के सामने जस्ट जो गरोट वाला इंटरचेंज आता है उसके आगे जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे सांवरिया ढाबा एंड रेस्टोरेंट है, हमारे राहुल भाई का है। तो प्लीज़ आप विजिट करें। तो चलो अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू, निकल गए हैं बड़ोदरा की तरफ वापस आगे। और ट्रैफिक तो अभी हाईवे पे बहुत कम है, चलो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो ये रेस्टोरेंट वगैरह पे एकदम अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अभी सीधा अपन आगे, अभी जावरा रतलाम की तरफ। और टाइम हो गया है 12:30 हो गई है, और टेम्परेचर तो बाहर का 40 डिग्री है। कल बारिश हुई पर बारिश का इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, गर्मी वैसी ही है। तो चलो अभी नज़ारा को एंजॉय करते हैं, बढ़ते हैं अपन बड़ोदरा की तरफ।
अपन पहुंच गए हैं झाबुआ वाले इंटरचेंज पे जिसका नाम है थांदवा इंटरचेंज। तो झाबुआ की जो डिस्टेंस है वो भी है यहाँ से 45 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश का आखिरी छोर जहाँ तक एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है वहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं और नज़ारे आपने इंजॉय किए होंगे। बहुत ही शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस और गाड़ी का एवरेज 17.5, तो 17.5 का एवरेज निकाल रही है 100 और क्या लोग हैं यहाँ पे आप बताओ। तो चलो थोड़ी सी डिस्टेंस और बची है एक्सप्रेस हाईवे की और मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। बीच में लगा था कि बारिश आने वाली पर बारिश आई नहीं है। थोड़ा सा कैमरा बाहर निकाल के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, एंजॉय कीजिएगा। चलो भाई तो एक्सप्रेस हाईवे अपन ने छोड़ दिया है और अपन आ गए हैं फिलहाल थांदला वाले रोड पे। तो ये सीधा रोड जो है जाता है सीधा थांदला और इधर एक्सप्रेस हाईवे से हम उतरे। तो एक्सप्रेस हाईवे की जो जर्नी थी मध्य प्रदेश की बहुत ही शानदार, बहुत ही आरामदायक। और टोल 520 रुपीज़ लगता है, 520 रुपये देना पड़ता है टोल पे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वसूल हो जाते हैं। तो फिलहाल अपन थांदला पहुँचते हैं, थांदला यहाँ से 30 किलोमीटर है। थांदला में चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे अपन बड़ोदरा की तरफ। तो अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना। ये अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश का पूरा जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है। फिलहाल बड़ौदा तक का भी ओपन होने वाला है, चुनाव खत्म होने के बाद बड़ौदा तक भी ओपन हो जाएगा। तो आशा करते हैं जल्दी ही बड़ौदा तक हमको एक्सप्रेस हाईवे पर जर्नी करने को मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट जर्नी में अपन बड़ौदा तक जर्नी करें। चलो तो फिलहाल चलते हैं इस रास्ते पर सीधा यहाँ से थांदला। और ये रोड भी अभी नई बन गई है, पहले रोड बहुत ख़राब हुआ करती थी आज से 6 महीने पहले, अभी नई बन गई है पूरी। चलो तो चलते हैं। गाड़ी का जो एवरेज है वो आया है 17.5, तो अपना 17.5 एवरेज निकाल रही है और क्या चाहिए।